नारायणपुर सरसों की फसल के अंदर बारी खराब वर्तमान शीतलहर पाली को देखते हुए उपखंड नारायणपुर में सरसों की अगेती फसल पुण्यता और पीछे की फसल में भी नुकसान। कृषि पर्यवेक्षक ने बताया कि हमने रिपोर्ट आगे भेज दी है। गिरदावरी के आदेश राज्य सरकार करती है या फिर कोई निर्णय करती है ये देखने का विषय, लेकिन आज आवास न्यूज चैनल के सार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और शीघ्र प्रशासन और प्रशासन से मांग करता है कि किसानों के सामने पिछला वक्त कोरोना काल में निकल गया और वर्तमान वक्त में जो आजीविका का मुख्य साधन सरसों की फसल है वह भी नष्ट हो गई है। ग्राम गढ़ी मामोड़ के हर खेत के अंदर घूमते घूमते इस खेत में पहुंचे हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फसल में जो विकट खराबा जिसे बोलते हैं, किसान जाए तो कहाँ जाए। कृषि पर्यवेक्षक से बात करने पर मालूम हुआ कि हमने इसकी रिपोर्ट भिजवा दी है। आगे थी फसल में 70% से ज्यादा नुकसान है और पीछे तीमी कम बता रहे हैं, लेकिन ये जाँच का विषय है। हमने खंडन करते हैं, सत्यापित करते हैं, लेकिन किसान से मुआवजे की मांग करते हैं। किसान के साथ आवाज न्यूज चैनल। अब मैं हमारे जो किसान पुत्र हैं मैं उन्हीं से भी जानना चाहूँगा। सर, लगभग पूरे उपखंड नारायणपुर क्षेत्र में कितना नुकसान हो गया होगा सर? 70% के करीब। तो आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मांग करेंगे किसानों को मुआवजा मिले? मिलना चाहिए। जैसे लगभग कितना मुआवजा मिलना चाहिए? 70% गवर्नमेंट तय करे, सरकार किसान को जितना दे सके उतना दे। इस न्यूज़ के माध्यम से अपील की जाती है दूर दूर तक पूरे उपखंड क्षेत्र नारायणपुर में जो सर्दी की वजह से विशेषकर